नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ये तीखे बोल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हैं। इसे धमकी भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल दिल्ली सीएम को आरजीडी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची थी, जिसके बाद उन्हें 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। कोर्ट रूम से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी पर अपनी भड़ास निकालते नजर आए। कोर्ट से बाहर आने के दौरान एक पत्रकार ने उनसे रामलीला मैदान में होने वाले इंडिया गठबंधन की महारैली को लेकर सवाल पूछा था, लेकिन केजरीवाल का जवाब तो सीधा पीएम मोदी पर हमला करने वाला था। केजरीवाल ने कहा कि पीएम जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। सुनिए अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा, रामलीला मैदान क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा, रामलीला मैदान क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये तो रही पीएम मोदी पर फूटे अरविंद केजरीवाल के गुस्से की बात, लेकिन आज कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान एक नई बात निकल कर सामने आई है। ईडी ने कहा कि पहली बार इस केस में सीएम केजरीवाल ने अपने दो मंत्रियों का नाम लिया है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान अपने दो मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लिया था। ईडी की पूछताछ में केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इस सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल, मंत्री आतिशी और मंत्री सौरभ भारद्वाज कोर्ट में ही मौजूद थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जब ईडी ने केजरीवाल की कही बात को वहां मौजूद मंत्री आतिशी से भी पूछा तो वो कुछ नहीं बोली और चुप्पी साधे रखी। कोर्ट में ईडी ने यह भी कहा कि शराब नीति घोटाले में पूछताछ के वक्त दिल्ली के सीएम का रवैया सहयोग करने वाला नहीं था। ईडी के वकील की माने तो पूछताछ में अरविंद केजरीवाल बस एक ही बात दोहरा रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं पता। यहां तक कि केजरीवाल ने अपने फोन के पासवर्ड भी ईडी को नहीं बताए थे। जांच एजेंसी ने कोर्ट में बताया कि केजरीवाल लगातार उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, सोमवार को ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा और 15 अप्रैल तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि केजरीवाल के ये 15 दिन दिल्ली के तिहाड़ जेल में कटने वाले हैं। ईडी ने केजरीवाल की 15 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिसे माने हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अब तक सामने आई खबरों के अनुसार केजरीवाल को जेल नंबर 5 में रखा जाएगा। केजरीवाल ने जेल के अंदर पढ़ने के लिए 3 किताबें मांगी हैं। इनमें रामायण, महाभारत और नीजा चौधरी की किताब हाउ पीएम डिसाइड शामिल है। इसके अलावा उन्होंने जेल प्रशासन से कुछ दवाइयां और गले में पहनने वाला लॉकेट भी साथ रखने की गुजारिश की है। तो फिलहाल की खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।